ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा, पढ़ाएंगे कैसे फिर? अगर अगर तनख्वाह नहीं मिलेंगी टीचर्स को ठीक से तो पढ़ाएंगे कैसे फिर? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए सरकार? नहीं, पूरी तनख्वाह देनी चाहिए इसको, सरकार को शर्मानी चाहिए इस चीज़ पे। सिर्फ पराली का इशू आ रहा है, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन आएगा, आग लगाई जा रही है। पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ने वादा किया था हम इसको सब्सिडी देंगे या इसका कोई किसान का हल निकालेंगे, कैसे देखते हैं? मुझे केंद्र सरकार ने भी वादा किया था, मैं हर्षवर्धन जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उनसे मैं मिला था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगले साल से पराली जो जो किसान है उनको सब्सिडी देके। मैं खट्टर साहब से भी मिला था, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था। ये दुख की बात है कि सरकारों ने कदम नहीं उठाए। संगरूर तो रणेश शर्मा की रिपोर्ट, चैनल 2।